के रूप में शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। बदन पर भगवा वस्त्र, चेहरे पर गजब की लालिमा का ओज, रगों में हिंदुत्व का प्रवाह, भाषा शैली ऐसी जो बड़े बड़े विरोधियों की बोलती बंद कर दे। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व तो किया था पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं। ये कहानी हिंदुत्व के फायर ब्रांड एम्बेसडर की है। ये दास्तान उस कर्मयोगी की है जिसके जीवन का अध्याय खुली किताब की तरह है। लेकिन इस कर्मयोगी की जिंदगी की किताब के कई पन्ने ऐसे हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। सियासत के ऐसे राजयोगी को दुनिया बेबाक अंदाज के लिए जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि जितना वो बेबाक है उतना ही वो इमोशनल भी है। बेहद दिलचस्प है 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में जन्मे अजय सिंह की योगी आदित्यनाथ तक बनने की कहानी। वैसे योगी आदित्यनाथ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से कड़े नियमों की धूप में चलकर अजय सिंह सियासत के राजयोगी बने। बताएंगे कैसे सुबह 3:30 बजे से रात 11:30 बजे तक योगी कड़े अनुशासन में जिंदगी जीते हैं। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी आदर्शों, नियमों, त्याग और कड़ी साधना की मिसाल है। गोरक्षनाथ पीठ में योगी आदित्यनाथ इसी कमरे में रहते हैं। उनके शिष्य बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में योगी उठ जाते हैं, गर्म पानी पीते हैं और फिर उनकी कड़ी दिनचर्या शुरू हो जाती है। योगी आदित्यनाथ रोजाना ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही बिस्तर छोड़ देते हैं। 3:30 बजे सुबह वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसी कमरे में योगी आदित्यनाथ का ये शयन कक्ष है। इस शयन कक्ष में वो रोज 3:30 बजे बिस्तर छोड़कर, और क्या कुछ करते हैं, कहाँ से वो शुरुआत करते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ डंडा बाबा जी हैं। बाबा जी, शुरुआत कैसे होती है मुख्यमंत्री जी की? 3:30 बजे उठकर और नित्य क्रियाक्रम करने के बाद जो है गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में योगासन करते हैं, पूजा पाठ करके 5 बजे वो जो है मेन पोर्टिको में निकल जाते हैं। वहाँ से मंदिर परिसर का सब भ्रमण करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए वह गौशाला निकल जाते हैं। हर रोज सुबह 3:30 बजे योगी उठ जाते हैं, गोरक्षनाथ पीठ के इस परिसर में बने तालाब मंदिर पर जाते हैं, योग करते हैं। शिष्य बताते हैं कि कुंडली जागृत करने की साधना योगी कर रहे हैं। योगाभ्यास करते हैं वो, तो उसमें प्राणायाम के अलावा और कोई विशेष योग भी होता है या सिर्फ प्राणायाम तक सीमित रखते हैं? प्राणायाम है, उसमें जो है कुंडली जागरण होता है, वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं कुंडली जागरण। हाँ, क्योंकि कुंडली जागरण मेन पराकाष्ठा जो थी योगासन का मेन पराकाष्ठा है। कितना समय देते हैं योग पे? योग पर 1 घंटे लगते हैं। मंदिर में दर्शन, योग स्नान करने के बाद हर रोज योगी गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उन्हें चारा देते हैं। कहते हैं योगी जी को पालतू जानवरों से खासा लगाव है, फिर चाहे कोई भी जानवर क्यों ना हो। उसके बाद
5 बजे फिर गौशाला के लिए निकल जाए। गौशाला इनके और मंदिर परिसर में जितने देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाते हुए तालाब होते हुए फिर ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद जलपान करते हैं। तो मतलब सुबह 3:30 से 5:30 तक, मतलब वो गौशाला जाने तक 2 घंटे का जो आपने कार्यक्रम बताया कि वो योग करते हैं, नित्य क्रम से वो निवृत्त होकर योग करते हैं और उसके बाद फिर गौशाला जाते हैं। गौशाला से लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने इसी कमरे में लौटते हैं जहां स्वाध्याय करते हैं। योगी जिस कमरे में रहते हैं वो बिल्कुल साधारण है, यहाँ ना एसी है, ना टीवी है, ना दूसरी कोई सुविधा। ना एसी है, ना टीवी है, अंदर केवल पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, पेपर और पुस्तक। अंदर टीवी नहीं है? नहीं, टीवी देखना पसंद नहीं है? ना, टीवी देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं, नहीं। कठोर अनुशासन में रहने वाले योगी जी बेहद साधारण और नपा तुला भोजन करते हैं, 3 घंटे सोते हैं, अल्पाहार करते हैं। बताइए, नाश्ते से लेके रात के खाने तक आप क्या क्या महाराज जी को खिलाते हैं और क्या क्या खाने में बनाते हैं, किन चीज़ों से महाराज जी को परहेज है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महाराज जी पसंद करते हैं? महाराज जी को पसंद हरी सब्जी, दाल रोटी यही है। योगी आदित्यनाथ को खाने में हरी सब्जियां पसंद हैं। पूरे दिन में योगी 2 से 3 रोटी खाते हैं, दिन में दाल चावल खाना उन्हें बेहद पसंद है। भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी लेते हैं। रात का भोजन होता है महाराज जी का 9:30 बजे के बाद, यानी लगभग 10 बजे, उसमें दाल रोटी सब्जी होती है। रात में चावल बिल्कुल नहीं लेते और लहसुन प्याज का तो हमारे वहाँ बिल्कुल परहेज ही है। नाश्ता कब करते हैं? नाश्ता सुबह का 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर कर लेते हैं। नाश्ते में क्या लेते हैं? वो दलिया ले लेते हैं, चना ले लेते हैं, पपीता, सेब और मौसमी का जूस ही उनको ज़्यादा होता है। जी, सब्जी कौन सी पसंद है महाराज जी? हरी सब्जी चाहिए, हरी सब्जी में लौकी, परवल, नेनुआ, आलू, मटर, यही सब होता है। जी, छाछ वगैरह? हाँ, छाछ लेते हैं दोपहर के भोजन में लेते हैं। जी, दूध का बहुत प्रयोग करते हैं? हाँ, दूध का प्रयोग शाम को होता है। योगी आदित्यनाथ के लिए जिस किचन में खाना पकता है वो बिल्कुल साधारण है, कोई भी आधुनिक सुविधा यहाँ नहीं दिखेगी। बेहद कठोर अनुशासन में रहने वाले योगी आदित्यनाथ, जो कि उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उनका भोजन उतना ही सादा और उतने ही शांत भाव से वो भोजन करने वाले शख्सियत हैं। कैलाश चंद्र प्रजापति जी हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं और महाराज जी के लिए भोजन तैयार करते हैं। कितने सालों से ये सेवा कर रहे हैं आप? हम तो भैया 1988 से हैं यहाँ। 88 से हैं? हाँ, कि जो बड़े महाराज के समय से हम उन्हीं की सेवा में रहते हैं, महाराज जी की सेवा में आ गए हैं। जरा दिखाएंगे जहाँ भोजन तैयार करते हैं? ये वो किचन है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के लिए भोजन तैयार होता है। यहाँ भोजन तैयार होता है, ये देखिए सब्जी रखी हुई है, लेकिन जो सब्जियाँ इसमें रखी हुई हैं इसमें आपको लहसुन प्याज नहीं दिखेगा, क्योंकि लहसुन प्याज का पूर्णतः परहेज है इस किचन में। गोरक्षपीठ के इसी डाइनिंग हॉल में योगी जी अपने मेहमानों या फिर सहयोगियों के साथ नीचे बैठकर खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन योगी आदित्यनाथ जी जब भी मठ में होते हैं वो इसी बड़े से आप इसको हॉल कह सकते हैं, बड़े से हॉल में करते हैं। आप देखिए यहाँ टाट बिछी हुई है, छोटी छोटी जो टेबल्स हैं वो लगी हुई हैं और इसी छोटी सी मेज पर वो भोजन करना पसंद करते हैं। यहाँ बैठते हैं योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ बैठकर भोजन करते हैं और उस समय उनके साथ जितने लोग होते हैं वो एक साथ यहीं भोजन करते हैं। सामने आप देखिए 3 वॉश बेसिन भी लगी हुई हैं। तो ये वो हॉल है जहाँ योगी आदित्यनाथ जी बैठकर जहाँ भोजन करते हैं। जब भी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ में रहते हैं तो दोपहर करीब 2:30 बजे तक जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें लोगों की परेशानियां सुनते हैं, उनका निपटारा करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जब जब अपने पीठ पर विराजमान रहते हैं, जब जब वो गोरक्षपीठ में मौजूद रहते हैं, सुबह 10 से 1 अपने कार्यालय में बैठते हैं। ये उनका कार्यालय है जहां से वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। ये कुर्सी खाली रखी गई है चूँकि इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं,
यहाँ मौजूद नहीं है तो इसी कुर्सी पर बैठकर योगी आदित्यनाथ जी लोगों की समस्याएं सुनते हैं। देखिए आप योगी जी की बड़ी सी तस्वीर आपको दिखाई देगी।